सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं भैरव जी के मंदिर में। तो चलिए अब मैं आपको दर्शन कराता हूं भैरव जी के। तो भैरव जी के मंदिर के दर्शन से पहले यहां पे एक पुल आता है। ये पुल बेसिकली जयखाल और भेरीवार वालों को देघाट से कनेक्ट करवाता है, ठीक है। अभी इसके बाद एक और बड़ा पुल आएगा, वो भी आपने शायद मेरी वीडियो में देखा होगा। तो उससे क्या होता है कि और अधिक गांव जुड़ते हैं, पर ये क्या है कि हम कुछ ही गांवों के लिए स्पेशल। और यहाँ पे एक नौला भी है, आप देख सकते हैं अभी भी जलमग्न है ये। तो और देखिए कितने फूल यहाँ पे लहलहा रहे हैं। एक तो मौसम भी ये ऐसा ही है कि 15 दिन के बाद हल्दी का त्यौहार भी आने वाला है, तो उसमें भी हम इन फूलों का यूज करते हैं। फुलदेई के बारे में आपको आई थिंक पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा कि फुलदेई जो होता है ये हमारे उत्तराखंडी त्योहारों में सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सीढ़ियों से हम सबसे पहले ऊपर को जाते हैं। यहाँ पे देखो आप, आज तो मंदिर परिसर का गेट भी खुला है। तो ये आपने देखा मंदिर परिसर। इसके बाद दो चूल्हे वहाँ पे लगे हैं और एक चूल्हा यहाँ पे लगा है, दो चूल्हे बेसिकली यहाँ पे भी लगे हैं। तो ये होता है कि जैसे कि रोड पर साँध आती है उन सब के लिए। और यहाँ पे बगल में आप देख रहे हो, यहाँ का भंडार खाना है, यानी यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह सारा सामान यहाँ पे रखा जाता है। और यहाँ से आप एक वाइल्ड व्यू देखो तो ये बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा इस व्यू को, क्योंकि यहाँ पे आगे जो खेत हैं ये बहुत ही अच्छे लगते हैं यहाँ से, क्योंकि ये खेत जो है कि अभी लोगों द्वारा यूज किए जा रहे हैं, यानी अभी बंजर नहीं हुई यहाँ पे खेती, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक तिमिल का भी पेड़ है, तो यानी जो खाना खाने के लिए जो पत्ते चाहिए होते हैं वो मार्केट से नहीं लाने पड़ते, यहीं से इस पेड़ से मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि तिमिल के पेड़ में ही खाना खाते हैं, जैसे साउथ साइड में केले के पत्ते में खाते हैं, तो यहाँ पे तिमिल के पत्ते में खाते हैं। और यहाँ पे गंदगी आप देख सकते हो, जो कि सबसे बुरा लगा मेरे को। और ये वो फूल है जिसकी मैं बात कर रहा था, कहते हैं कि इसको फूलदेह से पहले नहीं तोड़ना चाहिए, तो इसलिए हम बचपन में अगर टूट जाता था हमसे गलती से तो हमको ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना बड़ा पाप कर दिया हमने। और यहाँ पे एक यात्री प्रतीक्षालय भी बनाया गया है, ये भी आप मेरे साथ देख सकते हैं। और ये हमारी ऊपर से गाढ़ आ रही है, विनोद नदी हम इसको कहते हैं आगे चल के। और आप देखो कि सूर्य जो उदय हो रहा है उसकी कुछ आपको वहाँ पे आगे दिख रहा होगा कि कुछ एरिया में सूर्य की किरणें आ रही है, यानी अभी इतना सुबह में यहाँ पे आया हूँ कि अभी सूर्य भी ठीक से नहीं निकला है। और ठीक सामने के साइड आप देखो तो वहाँ पे देखो कुछ खेत तो हरे भरे हो रहे हैं, यानी उनमें गेहूँ उग रहे हैं, और कुछ खेत देखो जो कि अब बिल्कुल बंजर से हो गए हैं। तो ये बेसिकली इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर रोज़गार नहीं है। अगर उत्तराखंड में रोज़गार मिल जाएगा तो मेरे पर्सनल ओपिनियन से कोई यहाँ से पलायन नहीं करेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना तो चाहिए सरकार को, पर हमारे कहने से क्या होगा? आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? इलेक्शन हो गए, 3 साल तक किसी को कोई पता नहीं रहेगा, उसके बाद एक बार फिर याद आएगी 2024 में जब होगा सांसद के लिए चुनाव, फिर ये जो रास्ते अभी आपको खाली दिखाई दे रहे हैं इनमें फिर से भीड़ उमड़ आएगी। उसके बाद एक और बार जब प्रधान का चुनाव होता है, ठीक है, अगर जैसे गांव में 1000 वोट हैं तो सांसद के लिए तो फिर भी पड़ते हैं, लेकिन अभी विधायक के लिए आपको ये देखो कि 50% ही वोट पड़ते हैं। पर वहीं पर अगर हम देखें आगे का कि प्रधान के लिए कितने परसेंट पड़ते हैं, तो वो परसेंटेज सीधे 80 से 90 चले जाता है, यानी जो भी बाहर जॉब करने वाले हैं वो तभी आते हैं जब उनको प्रधान चुनना होता है। और हमारा यहाँ पे ना रहना, इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं नेपाली लोग, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको नेपाली बस्तियाँ इतनी सारी मिलेंगी कि आप बोलोगे ये हमारा ही राज्य है या नेपाल का ही एक टेरिटरी हो गई है अभी।
जैसे कि आप यहाँ पर आगे देख पा रहे हो, यहाँ पे पूरा नेपाली झोपड़ियाँ, या ये कहें कि हमारा गांव इतना ही बड़ा होगा, बस ये है कि हमारे गांव के जो मकान है वो थोड़ा दूर दूर हैं, ठीक है, बाकी नहीं तो ऐसा ही है बस सेम। यहाँ से अभी प्रॉपरली आगे का व्यू दिख नहीं रहा है, पेड़ आ गया ना बीच में इसलिए, फिर भी आपको आई थिंक दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तो। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मकान है, और एक मकान मेरे हिसाब से 10 नेपाली तो रहते ही होंगे, यानी एक झोपड़े में इन द सेंस। और साथ साथ में ये देखो आप, ये है जिसको हम अपनी पहाड़ी भाषा में फक्कू कहते हैं, यानी ये होता है, हम पहले से बचपन में आपको याद होगा एक स्केच पेन लेते थे, उसको आगे से काट देते थे और पीछे से एक लकड़ी का डंडा डालते थे उसमें, और फिर ये जो चीड़ का ये निकलता है बूंद, इससे वो हम उसको एक साइड से डालते थे, फिर दोबारा एक और डालते थे पीछे से, फिर मारते थे अपने दोस्तों को, ठीक है। तो ये हमारे एक शस्त्र अस्त्र कुछ भी कह लो आप, क्योंकि होता तो वो दोनों तरीके से यूज़ था। अब आप देख सकते हो आगे का, इतनी सारी बस्तियाँ यहाँ पे नदी किनारे, इनको कोई डर नहीं है, इनके पास पूरा रोज़गार है, लेकिन जो यहाँ के रियल में रहते हैं यहाँ पे लोग, उनके उनको पूरा डर है कि आज अगर हमने 100 रुपये नहीं कमाए तो कल क्या होगा, कल का खाना मुश्किल है, इनको ऐसी कोई टेंशन नहीं है, जबकि वहाँ पे हमारी ज़मीन भी है। चलिए फिर भी क्या कह सकते हैं, 10% गलती तो हमारी है, 90% सरकार को दोष देके क्या फ़ायदा है ना। अब चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं जो चमियाड़ी का पुल है वहाँ पर, तो ये है हमारा चमियाड़ी का पुल। ये जो चमियाड़ी का पुल है ये बेसिकली इधर की साइड के, यानी जो अपोजिट साइड के जितने भी गांव हैं उनको देघाट से कनेक्टिविटी देता है, जैसे कि बरंगल हो गया, यहाँ पे खलुआ हो गया, फिर जयखाल हो गया, और यहाँ पे बगल में एक नहर भी है, उपराड़ी दुपसील, जितने भी गांव हैं ये सबको ये कनेक्टिविटी देता है हमारा मेन मार्केट देघाट से, ठीक है। जब तक ये नहीं था तब तक हमको नदी क्रॉस करनी पड़ती थी, तो बहुत लोग बह भी जाते हैं, तो ऐसा भी मैंने तो एक ही बार देखा था कि नदी तैरते समय कोई बहा हो, लेकिन वही बच गया था, लेकिन फिर भी ऐसे इंसिडेंट बहुत हुए हैं इससे पहले भी। तो ये हमारी पुल है जहाँ से कि हमको कनेक्टिविटी मिलती है मेन मार्केट देघाट से। तो चलिए, चमियाड़ी तो हम पहुँच गए, यहाँ से इधर की साइड का आप व्यू देखो, और धूप का हल्का हल्का अब किरणें जो हैं कि पास आने लगी हैं हल्की हल्की, और इन बूंदों को देखो आप, अभी यहाँ पे बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा कीचड़ कीचड़ तो हो गई, लेकिन कीचड़ से ज़्यादा दुख तो जो ये पैकेट्स वगैरह फेंक रखे हैं ना यहाँ पे रास्ते के किनारे, जहाँ पे देखो और इतनी गंदगी। कमेंट जरूर करना कि आपकी इस बारे में क्या राय है। यहाँ पे करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म, मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।